हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि यूके में जो रेंटल अपार्टमेंट्स हम लोगों को मिलते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो इसका इंटीरियर कैसा होता है और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ध्रुव जो है कुछ सिक्योरिटी कोड एंटर करके फिर ये गेट ओपन हुआ और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो ऐसे ही हर रेंटल अपार्टमेंट में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी कीज़ या फिर कोड होते हैं जिनको एंटर करके ही आप हाउस में एंट्री कर सकते हो। तो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिफ्ट लिया है। लिफ्ट के बाद अब हम लोग अपने फ्लोर पर जाके आपको अंदर से अपना रेंटल अपार्टमेंट दिखाएंगे। लेट्स कंटिन्यू। तो अभी हम लोग रूम पे पहुँच चुके हैं और अभी ध्रुव जो है गेट ओपन करेगा कि जो है हम लोग यहाँ पे एक सिक्योरिटी बॉक्स होता है उसके अंदर रखते हैं और वहाँ से की लेकर और ध्रुव जो है ओपन करने का ट्राई कर रहा है और लेट्स गो इनसाइड। तो ये सबसे पहले जो है हमारा किचन काउंटर है। हाउस के अंदर एंट्री करने के बाद सबसे पहला जो एरिया आता है वो आता है किचन का। तो यहाँ पर हमें एल शेप में किचन मिला है। जो किचन काउंटर है वो एल शेप में है और एक साइड में हॉब है, दूसरी साइड में आप लोग यूटेंसिल्स वगैरह क्लीन कर सकते हो। और साथ में पूरा जो किचन है वो मॉड्यूलर है और सिंक से लेकर सारे ड्रॉर्स और अलमीरा वगैरह अच्छे से प्रॉपर बनी हुई हैं और इनमें आप बहुत सारा सामान आ जाता है, इजीली आप सारा सामान इसमें अपना रख सकते हो। ये हमारा एंट्री गेट है जिससे मैंने एंट्री की थी और उस साइड हमारे दोनों रूम्स हैं जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इसी के साथ हॉब के नीचे यहाँ पर ओटीजी है और ओटीजी के साथ ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक कैटल, टोस्टर वगैरह आपको रूम में अवेलेबल रहते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किचन के बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो एरिया आता है वो होता है डाइनिंग टेबल। तो यहाँ पर एक ग्लास का डाइनिंग टेबल हमको मिला है जिसमें है 4 चेयर और ग्लास का डाइनिंग टेबल। साथ में यहाँ पर 2 सोफा अवेलेबल है और यहाँ पर ऊपर टेलीविज़न है। और फ्रंट साइड की जो आप देख रहे हैं वॉल, उस पर 3 विंडोज़ हैं जिनको वेंटिलेशन के लिए आप ओपन कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बेडरूम की साइड। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम और इसके साथ ही नेक्स्ट डोर आप देखेंगे तो इसमें है हमारा सेकंड रूम। तो ये रेंटल अपार्टमेंट है 2 BHK। अगर आप यहाँ पर अपने 2 किड्स के साथ रहते हैं तो आपको 2 BHK लेना कंपलसरी है। नेक्स्ट मैं अब आप सभी को दिखाती हूँ कि इस अपार्टमेंट में बाथरूम्स किस तरह के हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड है जिसमें एक साइड है शॉवर एरिया के लिए जिसमें शॉवर हुड और साथ में बाथटब है और सेकंड साइड है जो कि वॉश बेसिन है और यहाँ पर टॉयलेट सीट है। तो चूँकि काफ़ी कन्वीनियंट रहता है बच्चों के लिए, बाथटब यूज़फुल काफ़ी होता है, वो बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि ये एक रेलिंग लगी रहती है जिस पर हम लोग कपड़े सुखाते हैं, अच्छे से हॉट होती है और कपड़ों को इजीली ड्राई करती है। सो गाइस, यही था हमारा रेंटल अपार्टमेंट का पूरा व्यू। आपको कैसा लगा? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू लेटर, टेक केयर।